नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो करंट अफेयर में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक टीम को 100 जीत दिलाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और यहां पे नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे और आज के ताज़ा तरीन खबरों के साथ रूबरू होंगे, उन पर बनने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं दिन का विचार। तो आज के दिन का विचार है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट नो मैटर हाउ पेनफुल इट मे बी। ये जो लाइन है इससे आपको भी सीखने की जरूरत है, इससे मुझे भी सीखने की जरूरत है। अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो हमें उस काम को फिनिश करना चाहिए। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए और कितना भी पेनफुल काम हो, लेकिन अगर हमने शुरुआत किया है तो हमें उसे ख़त्म करना ही चाहिए। सो इसी विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत सरकार ने निम्नलिखित देशों में से किसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? ये सहायता भारत सरकार ने मालदीव सरकार को उपलब्ध कराई है 250 मिलियन डॉलर की। तो 250 मिलियन डॉलर की जो सहायता है वो इस तरीके की सहायता नहीं है कि भाई भारत सरकार ने गिफ्ट करके दे दिया। भारत सरकार ने क्या किया है, मालदीव सरकार को, ये हमारी भारत है, ये है मालदीव सरकार, तो भारत सरकार ने क्या काम किया है, यहाँ पे मालदीव सरकार को 250 मिलियन डॉलर दिया है। अब मालदीव सरकार ने क्या किया है, मालदीव सरकार ने भारत को एक ट्रेजरी बॉन्ड दिया है। बॉन्ड एक पेपर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक गारंटी पत्र होता है जो किसी की सरकार ये बोलती है कि ये पत्र आप रखो। इस पत्र का एक टाइम पीरियड होता है और यहाँ पर जो ट्रेजरी बॉन्ड रिलीज किया गया है इसका जो टाइम पीरियड है ख़त्म होने का वो 10 साल है। 10 साल में ये परिपक्व हो जाएगा। कहने का मतलब है भारत ने मालदीव सरकार को 250 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसके एवज में, ट्रेजरी बॉन्ड के एवज में। 10 साल के बाद ये ट्रेजरी बॉन्ड वापस से जो है मालदीव सरकार को रिटर्न कर दिया जाएगा और विथ इंटरेस्ट भारत सरकार पैसा ले लेगी। लेकिन इस वक्त पे भारत सरकार का 250 मिलियन डॉलर मालदीव सरकार को देना एक तरीके की बहुत बड़ी सहायता है। इस काइंड ऑफ बैंक लोन, काइंड ऑफ बैंक लोन, डायरेक्ट बैंक लोन नहीं बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ बैंक लोन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मालदीव सरकार के विषय में थोड़ा बहुत और जानेंगे। मालदीव सरकार जो है ये आपको पता है कोविड-19 की वजह से लगभग सारे देश इम्पैक्टेड है। मालदीव सरकार जो है और मालदीव जो देश है, मालदीव देश में सबसे ज़्यादा जो उद्योग है जो चलता है वो उसका पर्यटन उद्योग है। तो कोविड-19 में लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो मालदीव सरकार है, जो मालदीव का जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो पर्यटन उद्योग पर डिपेंड करती है तो वो हैम्पर हो ही जाएगा, वो हैम्पर हो गया। तो उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और मालदीव सरकार को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने यह पहल ली है। तो अगर ये पूछा जाए कि आपसे मालदीव सरकार में और मालदीव में सबसे ज़्यादा जो फेमस उद्योग है वो क्या है, तो यहाँ पर्यटन उद्योग सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है, सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। इसका ये मुख्य आधार है वहाँ की अर्थव्यवस्था का। और एक चीज़ और भारत सरकार ने की थी, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो मई महीने में भारत सरकार ने 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को और ज़रूरी जितनी भी चीज़ें थी वो भी पहुँचाई थी सहायता के रूप में। तो भारत सरकार का मालदीव सरकार के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, मतलब भारत और मालदीव के बीच में घनिष्ठ संबंध है। और होता क्या है कि जो कोई बड़ा देश होता है और छोटा देश होता है, अमीर देश होता है थोड़ा गरीब देश होता है, तो अमीर देश से पैसे का फ्लो गरीब देश की तरफ जाता है ताकि ये लोग एहसान लाते रहते हैं कि कल को कभी कोई इशूज़ आए तो हम दोनों साथ में काम कर पाएँ। ये मैं बहुत इनडेप्थ टेक्निकलिटी को बता रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि मालदीव सरकार और भारत सरकार के बीच में बहुत सही रिलेशन है। दोनों देश के बीच में जो मित्रता है वो जरूरत से ज़्यादा है। मालदीव सरकार के विषय में और डिटेल जानेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन भी देखेंगे, भारत और किस राष्ट्र के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी शुरू की गई है? ये मालदीव सरकार के साथ ये भी शुरू की गई है। कार्गो फेरी बेसिकली है क्या, कार्गो फेरी में आप ऐसे समझिए, फेरी का मतलब यात्रा होता है, तो कार्गो फेरी का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ से भारत सरकार का और मालदीव के बीच में जो है, जो हमारे व्यापारिक पोत जाते हैं, व्यापारिक पोत अभी इन जनरल कभी कभी जाते हैं, लेकिन अब कार्गो फेरी के जरिए क्या होगा कि जो व्यापारिक पोत है मालदीव सरकार से भारत और भारत से मालदीव सरकार जो है, ये दो बार जो है चक्कर काटेगा। क्या करेगा, दो बार चक्कर काटेगा। दो बार चक्कर काटने से फ़ायदा क्या होने वाला है, जो व्यापार है वो और मजबूत होगा दोनों देशों के बीच में। और इस यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सामान जो है व्यापारिक पोत है, ये सामान ले जा रही है, ले आ रही है, यहाँ पे युद्ध पोत मत समझिएगा, ये है व्यापारिक पोत। इसमें देख रहे हैं कंटेनर बहुत सारे डले हुए हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी की गई है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा करने से क्या फ़ायदा होगा, जो खाद्य पदार्थ है, जो मछली वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है
वो सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि व्यापार को और मजबूत किया जा रहा है कार्गो फेरी के तौर पे। और जो इसका संचालन है, इसका संचालन कौन करने वाला है, तो भारतीय नौवहन निगम, इसको शॉर्ट फॉर्म में SCI बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SCI है। ये इसका जो है क्या करने वाली है, ये इसका संचालन करने वाली है। तो ये छोटा सा जो है डेटा है, इससे क्या होगा कि दोनों दोनों देशों की बीच में जो है व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो और घनिष्ठ होगी, इनकी मित्रता और बेहतर होगी और व्यापार इनके बीच में मजबूत हो जाएगा। तो मालदीव सरकार के विषय में डिस्कस कर रहे थे, मालदीव देश के विषय में कुछ देख लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो माले है, प्रेसिडेंट यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, और अगर करेंसी की बात करें तो इंडिया का रुपया चलता है वहाँ पे, वहाँ का रुपया चलता है, तो मालदीवियन रुपया वहाँ का चलता है। तो ये रहा मालदीव के विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें 2021-22 विपणन वर्ष में चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, 225, 75, 50, 112, एक्चुअली ये 225 नहीं, 255 रुपए की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 255 रुपए की बढ़ोतरी की गई है 2021 और 22 में। और पहले तो आप MSP का कंसेप्ट समझिए, MSP है क्या, MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक किसान हूँ, मैंने 1 कुंटल जो है गेहूँ पैदा किया, तो 1 कुंटल गेहूं मैं जा रहा हूं बेचने। अब मैं मार्केट में गया बेचने के लिए और मैं चाहता हूं कि मुझे 400-500 रुपए मिले, लेकिन मार्केट में मैं प्राइस नहीं मिल रहा है और मार्केट की बहुत हालत खराब है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यह बोला है कि अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिचता है तो आप सरकार के पास लेके आओ। सरकार आपको इस बात की गारंटी देती है, एक प्राइस डिफाइन कर देती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम में सरकार आपको इतना तो जरूर देगी। तो सरकार ने क्या किया, 100 रुपये मान लो तय कर दिया, 1 कुंटल गेहूं की जो कीमत है 100 रुपये, वैसे होगी नहीं, मैं 1,000 ले लेता हूं, ये बहुत छोटा था तब चलती थी, इस वक्त तो 1900-1900 के आसपास होगी और ज़्यादा भी होगी, लेकिन 1,000 रुपये मान लेते हैं कि 1,000 रुपये है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने गारंटी ले लिया कि 1,000 रुपये जो है ये हम आपको देंगे देंगे। अब किसान के पास एक ऑप्शन मिलता है, उसको ये पता होता है कि हमारी चीज़ 1,000 रुपये में तो बिक जानी है, कहीं नहीं बिकेगा तो हम सरकार को दे देंगे। ये इसकी MSP हो गई। और ये जो किसान है, किसान अब क्या काम करेगा, सरकार के पास देने के बजाय उसके पास ऑप्शन होगा, वो मार्केट में इससे अधिक कीमत पे बेच सके। तो किसानों को जो है ये एक तरीके से सरकार का भेंट था और एक बहुत अहम पहल थी। तो MSP जो है, न्यूनतम समर्पित मूल्य जो है, ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि ये जो है, एक तो आप ऐसे समझिए ये प्राइजेस चेंज किए गए हैं, प्राइजेस 2 बार रिवाइज होते हैं, एक तो रवि की फसल के लिए, तो खरीफ की फसल के लिए। और आपको पता होना चाहिए रवि की फसल कब स्टार्ट होता है, खरीफ की फसल कब स्टार्ट होता है, जियोग्राफी में ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। रवि की फसल स्टार्ट होता है आपका जो ठंडियों का सीजन है, ठंडियों से लेके जो गेहूं का आपका सीजन होता है, जो चने का सीजन होता है, वहां से स्टार्ट करके जब इसकी कटाई होती है जून तक, और खरीफ होती है जब आपकी बारिश वाले सीजन से स्टार्ट होकर ठंडियों तक चलती है, जो अभी चल रही है। तो ये जो बात हो रही है, जो प्राइस जो चेंज किया गया है वो रवि की फसल के लिए चेंज किया गया है। जो गेहूं की बात करें तो 1975 रुपये इस वक्त अभी तक था, ये बदल के जो है इसमें 50 रुपये का एड ऑन किया गया है, 1975 प्लस 50 कर दिया गया है, जो को 1600 में 75 रुपये और जोड़ा गया है। सरसों की प्राइस बात करें 4,650 रुपये थी, अब 225 रुपये इसमें और जोड़ दिया गया है। और ध्यान रखिए कि सरसों में 225 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है, चने में 5,100 रुपये था, अब इसका 255 रुपये और मूल्य बढ़ा दिया गया है। कुसुम की बात करें तो 5,327 था, अब इसमें 112 रुपये ऐड किया गया है। और मसूर की बात करें तो 5,100 रुपये था, और 5,100 रुपये से 300 रुपये और बढ़ा दिया गया, मतलब अब ये 5,400 रुपये हो गया। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए। और एग्ज़ाम में अगर अभी यहाँ पे मैंने जो MCQ बनाया है वो बना दिया है आपके चना पे, तो कोई सरसों का भी बना सकता है, कोई जौ का बना सकता है, कोई गेहूं का बना सकता है। तो ये चीज़ है। अब MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, यह कीमत होती है, पहले तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके विषय में एक बात ये समझो कि MSP सरकार द्वारा कब लागू की गई थी, ये एक मूल्य कृषि एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये एक आयोग था। इसने क्या किया, इसने रिकमेंड किया था कि भाई किसानों के लिए एक MSP होनी चाहिए, अगर किसानों की जो है दशा आपको सुधारनी है तो ये आप नाम याद रख सकते हो कि कृषि, नाम फिर से याद रखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये उस आयोग का नाम है जिसने क्या है रिकमेंडेशन दिया था कि नहीं भाई ये जो चीज़ें होनी चाहिए थी। और रबी और खरीफ जो है ये दोनों समय पे जो है रिवाइज होती है बार बार, कि ये देखा जाता है कि टाइम टू टाइम जो है MSP सही है कि नहीं सही है, तो हर बार। तो यहाँ पे 2021 और 22 के लिए जो है जो रिवीजन है वो रबी की फसल के लिए है, और रबी की फसल के लिए जो रिवीजन है वो कुछ डेटा इस तरीके से है।
इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे, भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागरी रीजन में नौ सैनिक अभ्यास हुआ है। एक्चुअली जो एक्सरसाइज होना है वो पैसेज एक्सरसाइज है। पैसेज एक्सरसाइज होता क्या कि भारत अपने मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास करती है, तो इस बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रही है और ये हिंद महासागर के क्षेत्र में कर रही है। ये हिंद महासागर आपको पता है, भारत ये है, ऑस्ट्रेलिया इधर पे, तो इस वाले रीजन में ये सैन्य अभ्यास कर रही है। अब इसमें युद्धपोत यहाँ पे काम कर रहे हैं, दो तरीके के युद्धपोत जो है, एक तो ऑस्ट्रेलिया के होंगे और दो भारत के हैं। भारत की तरफ से जो पोत हैं वो है सहाद्री और कमुर्क और एच मास होबार्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है युद्धपोत है, ये दोनों पे जो है सैन्य अभ्यास होना है। अब जब ये सैन्य अभ्यास होता है तो इससे क्या होता है कि अंतर क्षमता को चेक किया जाता है कि दोनों लोगों का इंटरनल जो है कैपेसिटी कितनी है, तालमेल में कितना सुधार है, दोनों मैत्री देश हैं तो, और एक दूसरे को सर्वत कैसे बना सकते हैं। तो ये सब जब सैन्य अभ्यास होता है तो उन सारी चीज़ों में देखा जाता है। और ये जो पैसेज एक्सरसाइज है, भारत सभी मैत्री देशों के साथ ये काम करती है। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रही है, फिर कभी जरूरत पड़ती है तो दूसरे मैत्री देशों के साथ करती है। तो इस बार जो है ये कर रही है जो है वो ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ कर रही है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिस है, गवर्नर जनरल जो है यहाँ के डेविड हार्ले हैं। करेंसी बात करें तो यहाँ डॉलर चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की सिडनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार दो महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर की धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये दोनों अधिकारी कौन है? आपको दो महिलाओं के नाम बताना है। पहले तो इन खूबसूरत महिलाओं के फेस देखेंगे, ये देखो ये दोनों महिलाओं के फेस हैं, ठीक है। अब इनका नाम जानना बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट कुमुदनी नाम है, कुमुदनी त्यागी एक हमारी लेफ्टिनेंट का नाम है, दूसरे का नाम है रीति सिंह। लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, एक लेफ्टिनेंट मतलब दोनों सब लेफ्टिनेंट है, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। अब बेसिकली ये क्या काम करने वाली है, पर्यवेक्षक के तौर पर काम करने वाली है। आपको ये पता है कि एक जगह होता है जहाँ से आपकी जो एयरक्राफ्ट होती है उड़ान भरती है, क्या होती है एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है ना, तो एक वॉरशिप होती है जहाँ से आपका एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भरती है, तो ये वहाँ पे पर्यवेक्षक का काम करेगी, जो निरीक्षण का काम होता है, जो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, तो ये उस पूरे के पूरे जो है वॉरक्राफ्ट को जो है निरीक्षण करेंगी और वहाँ से जो उड़ने वाली जो एयरक्राफ्ट है हमारी उन सबको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगी। मतलब ब्रीफ में अगर बात करें और संक्षिप्त में बात करें, आम शब्दों में बात करें, तो ये दोनों जो महिलाएं हैं, जो बड़ी बहादुर सी महिलाएं हैं और साथ में सुंदर सी भी महिलाएं हैं, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए, याद तो भूलना नहीं चाहिए। वैसे भी आपको पता है अगर आप लड़के लोग हो तो सुंदर लड़कियों का चेहरा वैसे नहीं भूलते हो, तो कम से कम यही सोच के कि बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत सी महिलाएं हैं और सब लेफ्टिनेंट बनी हुई हैं, कुमुदनी त्यागी एंड रीति सिंह, ये अब क्या काम करने वाली है, पूरा का पूरा जो है ये आपका वॉरशिप संभालने वाली है, इसका पर्यवेक्षण करने वाली है और यहाँ से एयरक्राफ्ट जो है उड़ाने भरती हैं। तो ये जो चीज़ है फन पार्ट में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हाल ही में डैस्को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे HOCL को ये जो है प्रमाणन प्रदान किया गया है। थोड़ा सा जानेंगे कि HOCL को ये क्यों दिया गया है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया। एक तरीके से प्रमाण है कि हाँ जो प्रोडक्ट है इनके उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तो HOCL अपनी स्थापना के बाद से रसायन के निर्माण में बहुत अग्रणी रहा है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है। किसकी शीर्ष इकाई है? रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है, जिसकी जो है केरल के कोच्चि में विनिर्माण की इकाई है। कहाँ पे है? केरल है। केरल आपको पता है इधर वाली यूनिट में है केरल, और इसके कोच्चि में इसकी विनिर्माण इकाई है। तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो अगर हम बात करें केमिकल्स को लेके, जो HOCL है वो बहुत अग्रणी रही है, तो ये शीर्ष इकाई मानी जाती है हमारे भारत की रसायन उद्योग में अगर बात करें तो इसको एक प्रमाणन दिया गया, 20 प्रमाणन। ये जिसको भी मिलता है उसका ये मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो HOCL का नाम इसमें बहुत अग्रणी रहता है उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाने को लेके। अब हम पहले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, किसने IPL के पहले ऐसे कप्तान बन गए? भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने सौवां, अभी हाल ही में जो मैच हुआ है उसमें जो है सौवां जीत दिलाया है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए। इसके अलावा 150, अगर IPL में बात करें तो 105 जो है ये जीत दिला चुके हैं। कुछ मैच इन्होंने पुणे के लिए खेला था, आपको याद होगा, मुझे संस्करण तो याद नहीं है, शायद 7वें संस्करण में खेला था पुणे के लिए, तो उसमें भी 5 जीत इन्होंने दिलाई थी। और टोटल अब तक जो IPL में
इन्होंने जीत दिलाई है 100, और सिंगल ऐसे आदमी जिन्होंने 100 जीत दिलाई है कप्तान रहते हुए, चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग की खास बात यह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाए, मतलब वो लास्ट स्टेज तक जाता है फिर बाहर होता है, और अकेला ऐसा जो है टीम है। और भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी माशाल्लाह, इनके विषय में क्या कहें हम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत छोटा सा डिटेल है कि 100 जीत ये दिला चुके हैं, टोटल 105 जीत है इनकी तरफ से। और चेन्नई सुपर किंग के विषय में एक और चीज़ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वालिफायर राउंड तक कौन गया है, जो स्टार्टिंग स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, उससे बीट करके नेक्स्ट राउंड तक ये हमेशा पहुँचते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विराट कोहली को लेके मैंने आपको बताया था, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था और ग्रेट लर्निंग के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया था। ये क्या काम करने वाले हैं अभी आजकल, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का जो है दोनों का ऐड आ रहा है, दोनों का ऐड एक साथ चल रहा है। जो ग्रेट लर्निंग है वो सही समय पे युवाओं को सही तरीके से शिक्षा मिल पाए, जागरूक हो पाए, इस वजह से जो है ग्रेट लर्निंग काम कर रही है। बेसिकली वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीजी के और हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन दिलाने के लिए काम करती है। और सचिन तेंदुलकर जो है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं, तो अभी उनका पुराना बहुत जो है ऐड चल रहा है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने कल ही उनका ऐड देखा है, परसों पढ़ाया और ऐड भी देख लिया कल ही। तो उस ऐड में जो स्टोरी लाइन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि सचिन तेंदुलकर जी के जो है बचपन में कोच पूछते हैं तू देखेगा कि खेलेगा, तो पहले तो भाग के जाते हैं, फिर लौट के कोच साहब के पास आते हैं कि सर खेलूंगा। तो आपको भी ये समझना है कि आपको देखना है कि खेलना है, मतलब लिटरली हिट करने वाली चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किसके साथ भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है, तो यूनिसेफ ने किया है। किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। अब एक बात समझिए कि 20 जुलाई 2020 को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरल अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना के उद्देश्य है, एक तरीके का परियोजना है जिसमें यूनिसेफ ने और भारत ने हाथ मिलाया है और एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म पर साइन किया है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इनको इसको जनरल शब्द में समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म में साइन किया है। ये क्या होने वाला है, बेसिकली ये जो युवा है, ये जो युवा उद्यमी होते हैं, इनके बीच उद्यमशीलता को इससे बढ़ावा मिलेगा। सफल उद्यमियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से उद्यमी कक्षाएं, मतलब अब ये शब्द भी ऐसा है, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, मैं इंग्लिश में समझाता हूं, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जा रहा है कि वो अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दें, और अगर उनके पास नॉलेज बेहतर और बड़े आए तो उनको अलग अलग तरीके से वेबिनार ऑर्गेनाइज करके वीडियो लेक्चर के माध्यम से उन्हें और ट्रेन किया जा रहा है। और इसी प्रोग्राम के तहत जो है कुछ पोर्टल्स बनाए जाएंगे जिसपे लोग जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे लाइक naukri.com है, और जॉब से रिलेटेड और सारी चीज़ें जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरीके का मल्टी साइडेड ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रहा है जिसपे लोग कैरियर को जो है ढूंढ सकते हैं, कैरियर पोर्टल की तरह ये काम कर सकता है और नौकरी पोर्टल की तरह काम कर सकता है। तो कैरियर पोर्टल और नौकरी पोर्टल का मतलब एक ही है, जैसे naukri.com है जैसे नाम रखा गया, और बहुत फेमस है और बहुत सक्सेसफुल रहे हुए हैं। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया जाएगा? अब ये देखिएगा ध्यान से कि जो केरला है हमारी, ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पहला ऐसा पार्क बनाया जा रहा है। तो 24 सितंबर 2020 को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण पर आधारित होगा। किस पे? उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण पर आधारित होगा। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्र तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड KSIDC की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इतना सारा स्टेटमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा जनरल ब्रीफ करता हूँ। ये होने क्या वाला है कि एक तरीके का पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक तरीके का पार्क बनाया जाता है। इस पार्क में होने क्या वाला है? उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण है, मतलब ऐसे उपकरण जिसमें जोखिम के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है।
इन पे आधारित पूरा का पूरा जो है क्या है, ये पूरा का पूरा आपका पार्क है। इसमें इस तरीके के जो है क्या है इंस्ट्रूमेंट और उपकरण लगाए जा रहे हैं। इस उपकरण को लगाए जाने से मेडिकल साइंस में जो है अमूलचूल परिवर्तन होगा। तो एक तरीके का पहली बार इस तरीके का पार्क स्थापित किया जा रहा है जो उच्च कोटि के जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों पर आधारित है। अब ये पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो केरल में बनाया गया है। केरल में और ज़्यादा इनडेप्थ होगा तो पूछा जाएगा तो कौन से ज़िले में बनाया जा रहा है, तो तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। और अगर ज़िले के आगे बढ़ के अगर स्पेसिफिक जगह पूछा जाने लगे तो थोनक्कल स्थित इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाने लगे तो लाइफ साइंस पार्क में बनाया जा रहा है। कौन सा पार्क है? लाइफ साइंस पार्क। तो ज़्यादा जो डिटेल पूछा जाएगा वो यहाँ तक पूछा जा सकता है। केरल में ये काम किया जा रहा है कि उच्च कोटि के जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण पर आधारित एक पार्क बनाया जा रहा है। 24 सितंबर 2020 को इसका क्या किया जाना है, शिलान्यास किया जाएगा। तो ये छोटा सा डिटेल है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगर केरल के विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, जो कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम है, सभी को पता है। CM क्या है? पिनराई विजयन है। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। डिस्ट्रिक्ट 14 है, लोकसभा जो सीटें 20, राज्यसभा जो है वो 9। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, एडिशनल ऑफिशियल हिंदी इंग्लिश है। बॉर्डर कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ है। अब स्टेट बटरफ्लाई की बात करें तो पपीलो बुद्धा है। स्टेट फ्रूट की बात करें तो जैक फ्रूट है। स्टेट ट्री की बात करें तो कोकोनट ट्री है। स्टेट फ्लावर कनिकोना है। और स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल है। ये थोड़ा सा आप केरल का को एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ जो है केरला के विषय में जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, और ये आप PDF से पढ़ लीजिएगा। केरला देखिए आपका ये आता है, ये छोटा सा है। तमिलनाडु इसका जो है नियरेस्ट है, और कर्नाटका दो इसके जो है इमीडिएट जो है आपके स्टेट है। तो ये केरला है। अभी इसके पहले आपने ओडिशा देखा था, ओडिशा यहाँ पे है। तो जैसे जैसे ये स्टेट आ रहा है मैं आपको जो है लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी के साथ आप याद करते हुए चलिएगा। धीरे धीरे करके घूम के पूरा का पूरा देश कवर हो जाएगा। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब विश्व गैंडा दिवस 22 तारीख को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस के विषय में थोड़ा सा जानकारी जानेंगे। वर्ल्ड रियानो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गैंडों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाना है। विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा की गई थी। भारत में सबसे अधिक गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है आज के दिन में कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये है हमारे रिहानोज काजीरंगा पार्क, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 17 सितंबर अगर हम रिवाइज करें कि 17 सितंबर को क्या रहा है, तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रहा है। थीम क्या रही थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी प्रायोरिटी फॉर पेशेंट्स रहा हुआ है। और सितंबर 15 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी था। थीम 2020 की क्या थी? COVID-19 स्पॉट लाइन ऑन डेमोक्रेसी हो गई। नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है 15 तारीख को। सितंबर 16 की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर है। थीम 2020 की ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ये रहा है। और एक चीज तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हर रोज कोई ना कोई डे रहता ही रहता है, तो क्या आप 365 डे याद करोगे? बड़ा सवाल ये है। अगर 365 डे याद करोगे और उसको रिवाइज करोगे, उसको परमानेंटली बनाए रखोगे, तो कितना चैलेंज है कि एग्जाम में जाके आप इसे सही कर पाओ। और इसके साथ आप बहुत सारे जो कोर कंटेंट है उसको मिस ना कर दो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आपको समझना होता है कि सिर्फ मैं करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाता हूँ, अब CGL का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे ये पता है कि ऐसे में मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता था, क्योंकि मैं मान के चलता था कि क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा। जो बहुत कॉमन डेज है वही याद रखता था, अदरवाइज मैं छोड़ देता था। मैं आपको एक बात ये बोलूँगा कि ये आप सुन तो लो पर स्किप कर देना, बहुत रिवाइज करके बहुत फोकस करके रट्टा मारने मत बैठना, वरना बहुत समय जाता है। डेली बेसिस पे आता है, सुन लो। अगर एग्जाम में आपके सामने आ गया और याद आ गया तो टिक कर देना, अदरवाइज स्किप करने के अलावा कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं होता है। इस तरीके का रोज जो है डे याद करना, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा जो आप स्टोर नहीं कर पाओगे। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 तारीख को। ये सांकेतिक भाषा मतलब हम इशारों में जब बात करते हैं, यहाँ पे जैसे फिगर देख रहे हो आप, इशारों में बात करने की बात है। तो हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह, ये चीज़ जा सकते हो, सितंबर का पूरा अंतिम वीक जो है वो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जो डीफ लोग होते हैं ये सप्ताह उनके लिए रखा गया है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके। और अगर हम बात करें
साइन लैंग्वेज डे की बात है, तो अगर थीम पूछा जाए आपके एग्जाम में तो साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम है। थीम आप याद रख सकते हो क्योंकि जब भी स्टेटमेंट सामने आएगा तो आप इस थीम को पहचान जाओगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं, सितंबर 19, सितंबर 18, सितंबर 21 अगर रिवाइज करना चाहे तो, जो सितंबर 19 है या फिर थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया जाता है, ठीक है। और अगर थीम की बात करें तो अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन था। सितंबर 18 की बात करें तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे था। थीम अगर बात करें तो सॉल्व वाटर था। वर्ल्ड बम्बू डे भी 18 को मनाया जाता है, बम्बू नाउ, ये जो है थीम था। और ये शायद याद रखना बहुत आसान है, बम्बू दिवस, मुझे तो लगता है बम्बू दिवस मुझे कभी नहीं भूलेगा। सितंबर 21 की बात करें तो वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे था, थीम 2020 की लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी इसी दिन मनाया जाता है 21 तारीख को, थीम 2020 का शेपिंग पीस टुगेदर था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, किसने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, लेकिन ये महिला को देखिएगा, ये पहले क्रिकेटर थी। ताज्जुब की बात ये होती कि पहले क्रिकेटर थी लेकिन अब गोल्फ जीते पड़ी हुई हैं ये महिला, देख रहे। तो विश्व के टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशल भाटी, क्या नाम है इनका, एशल भाटी है, ने ब्रुक वाटर गोल्फ महिला क्लब चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली। इसके पहले ये क्रिकेटर रही थी और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद अब गोल्फ खेलना चालू कर दिया, और गोल्फ खेलने के साथ साथ ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला वाला ये वाला भी जीत लिया, महिला चैंपियनशिप ये भी जीत लिया। मतलब बड़ी बात होती है कि क्रिकेटर होना तो अलग बात होगी, फिर गोल्फर भी होना। तो नाम इनका याद रखिएगा, एशले भाटी है। मार्गरेट एडवुड का नाम आया था अभी लास्ट जो है डेज में, 2020 डाइटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजी गई थी। सिमोना हैलेप आया था लास्ट वाली करंट अफेयर के डे पे, विनर फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल इन्होंने जीता हुआ है। सो उम्मीद करता हूं आज का जो करंट अफेयर है आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन हिट करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।